पुणी मुहांमुही हेबे अंबानी एवं अदानी। हाइड्रोजन प्लांट पाई प्रतियोगिता। उन्नीस हजार कोटी पाई आरंभ होइछि युद्ध। देश में हाइड्रोजन उत्पादन वृद्धि पाई इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन वृद्धि करने को निष्पत्ति नैछंती सरकार। एथिपाई 1.5 गीगावाट क्षमता कारखाना पाई बीड निमंत्रण करा जायथिला। एही योजना विषय रे व्यवसायीको मध्यरे अत्यधिक उत्साह देखा मिली। सूचना अनुसार 21 कंपनी एही कारखाना पाई टेंडर करिसेंती। कौतूहलर विषय हेउछि अंबानी एवं अदानी मध्य बीड करिसेंती। एही कारणरू एही चुक्ति रे देशर अग्रणी व्यवसायीको उपस्थिति परे किए एही प्लांट पाइबो ताकू जानिबाकू समस्तको उत्कंठा बढ़िकी रहिछि। रिलायंस इलेक्ट्रोलाइजर, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, एलएनडी इलेक्ट्रोलाइजर एवं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स भली बड़ कंपनी एही कारखाना पाई दौड़ रे जोग दैछंती। अंबानी अदानी व्यतीत हिल इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, ओहोम ऑपरेशंस, वारी एनर्जीज, जिंदल इंडिया, होमी हाइड्रोजन, सी डॉक्टर एंड कंपनी, ओरिया पावर परि अनेक आवेदन करिसेंती। सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जुलाई 7 रे एही कारखाना पाई बीड निमंत्रण करिथिला। एही कारखाना पाई सरकार उत्पादन अनुदान घोषणा करिसेंती। जनवरी 2023 में जातीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर सरकार 19,744 कोटी टंका प्रदान करथिले। एही अर्थ स्वच्छ शक्ति उत्पादन में व्यवहृत कराजिबो। एहा व्यतीत 14 कंपनी 5.53 लाख टन सबुज हाइड्रोजन क्षमता उत्पादन पर आवेदन करथिबा बेले केवल 4.5 लाख टन क्षमता पर बीड आमंत्रित होइछि। एथि मध्यरु टोरेंट पावर, रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन एवं भारत पेट्रोलियम परि बड़ कंपनी गुडिक बीड करिसेंती। रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं अदानी ग्रुप पूर्वरु अनेक थर मुहांमुही होइछंती। हाइड्रोजन उत्पादन रे इलेक्ट्रोलाइजर एक गुरुत्वपूर्ण जिनिष। जुलाई 10 रे सरकारी कंपनी SECI मध्य 4.5 लाख टन सबुज हाइड्रोजन उत्पादन पई एक कारखाना स्थापन पई बीड आमंत्रण करिथिला। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन स्कीम पई स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन अंतर्गत एही बीड को निमंत्रण करा जायथिला। SECI अनुसायी 21 कंपनी 1.5 गीगावाटर वार्षिक अफर अपेक्षा 3.4 गीगावाट उत्पादन पर टेंडर करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक टीवी।